Myself Harivansh Pratap Singh. Currently, I am working with ABC Engineering College. And uh, today, I have covered software engineering processes and uh, what is difference between conventional and software engineering processes. Why we adopt a software engineering processes, and many more. Right. So first of all, I want to discuss what is software. Processes. A structure of uh, structured set of activities is required to develop software systems. So, activity is required. What? Structured activities. Structured activities? Suppose that planning, requirement gathering. उसके पहले या प्लानिंग के पहले आप क्या करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी अगेन वॉट आर द डिजाइनिंग मेथड्स एंड वॉट आर द टूल्स यूज फॉर दैट अगेन देन कोडिंग देन इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन बोथ आर द सेम पार्ट एंड टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस राइट ओके दट इज ए स्ट्रक्चर्ड वे राइट टॉप टू बॉटम ऐसा नहीं है कि आप रिवर्स कर सकते हैं या चेंज कुछ कुछ पहले यही एक प्रोसीजर है स्ट्रक्चर्ड वे में आप सेट ऑफ एक्टिविटीज करेंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का एक प्रॉपर प्रोसेस है राइट जिसको हम प्रोसेस बोल रहे हैं एंड मेनी मेनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस बट ऑल इन्वॉल्व्स कौन कौन से हैं स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन मीन्स वॉत आपने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली क्लाइंट से उसको आप स्पेसिफाई करेंगे मतलब एक फिक्स करेंगे कि क्या क्या डेवलप करना है क्लाइंट बहुत कुछ बताएगा आपको मे बी राइट मे बी वो टेक्निकली साउंड ना हो उसे सॉफ्टवेयर की नॉलेज ना हो इतनी बस उसे बनाना है बनवाना है सॉफ्टवेयर अपने किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए ऑटोमेट करना है मान लो अपने ऑर्गेनाइजेशन का वर्क या फिर एच का मर्क सैलरी अटेंडेंस प्रोसेस एसेट्रा या कॉलेज की वेबसाइट बनवानी है मैनी मैनी थिंग राइट बट ऑलवेज नॉट डिलीवर प्रॉपरली हो सकता है कि वो आपको प्रॉपर तो आपकी क्या रिक्वायर आपको क्या करना है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदर करनी है क्लाइंट से मिलके फिर उसको रिफाइनमेंट करके स्पेसिफाई करना है जिसको हम क्या बोलते हैं उस डॉक्यूमेंट को जिसमें स्पेसिफाई होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन राइट आफ्टर दैट डिजाइन वॉर्ड द सिस्टम शुड डू डिफाइन वॉर्ड द सिस्टम शुड डू हमें वो वो चीज़ें डिफाइन करनी जो सिस्टम से हमें कराना है या करेगा सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर दैट हम उसको डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे इसको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में एसडीडी सॉफ्टवेयर डिजाइन डिजाइन डॉक्यूमेंट या फिर यूएमएल डायग्राम्स या फिर बी आर एस एस आर एस एफ आर एस राइट आफ्टर दैट वी गो फॉर द कोडिंग again डिफाइनिंग the organization ऑफ the सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ the सिस्टम डिफाइनिंग the organization सिस्टम को सिस्टम क्या होता है बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए पर्टिकुलर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं किस टाइप के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स डिफरेंट वर्जन ऑफ ब्राउजर्स पर नहीं चलती हैं या कुछ वेबसाइट्स गवर्नमेंट की या किसी की वेबसाइट्स हैं जो मज़िला फायरफॉक्स पे नहीं चलेंगी एक्सप्लोर क्रोम पे नहीं चलेंगी या इंटर एक्सप्लोर पे ही चलेंगी कंपैटिबिलिटी इशू आता है राइट right? तो वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है किसी में फ्लैश पे नहीं रहता विडो फ्लैश पर आप इंस्टॉल करते हैं तब चलती है वो राइट दीज आर द रिक्वायरमेंट्स वो बेसिक नीड्स हैं सिस्टम को चाहिए अगर वो सॉफ्टवेयर रन कराना है जैसे आपके कोई गेम्स हैं वो कहाँ पे रन होंगे जब तक आपके ग्राफिक ग्राफिक्स कार्ड नहीं पड़े होंगे आपके सिस्टम पे तो प्रॉपरली वो रन नहीं होगा राइट या हार्डवेयर की उसको एट जी बी रैम की रिक्वायर्ड है या टू जी बी रैम रिक्वायर्ड है वन जी बी पे नहीं चलेगा तो दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम वो सिस्टम क्या है चाहे वो सर्वर की रिक्वायरमेंट हो चाहे वो फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट हो चाहे बैक एंड की रिक्वायरमेंट हो चाहे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हो चाहे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो होट कुछ कुछ सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर अपने सिस्टम पर चलते हैं पर्टिकुलर पर नहीं चलते हैं तो दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम जिसपे वो रन करेगा सॉफ्टवेयर राइट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम वैलिडेशन जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनाया है उसको रन करा के एग्जीक्यूट करा के रिक्वायरमेंट प्रॉपर रन हो रही है नहीं हो रही है उसको वैलिडेट करते हैं दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन रन टाइम पे जो चीज़ आप चेक करते हैं चेकिंग दैट द डज वॉट द कस्टमर्स वॉन्ट्स हम कहाँ चेक करते हैं कस्टमर क्या चाहता है बी में बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट बनता है जो बिजनेस डेवलपर बनाता है उसमें हम चेक करेंगे क्या कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या थी अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट हो रही है दैट्स मीन हमने सही प्रोडक्ट बनाया है सही मॉड्यूल की फंक्शनलिटी वर्क कर रही है जो कस्टमर को चाहिए था वही वह हम बना रहे हैं अदरवाइज वी नीड टू चेंज राइट इवोल्यूशन कोई चीज़ हमें इवॉल्व करनी है चेंजेस करने हैं या हमें कोई नया वर्जन आने वाला है उसमें कैंपेटेबिलिटी बनानी है राइट right? अभी एंड्रॉयड का नया वर्ज़न आ रहा है उसमें कम्पेटेबल है कि नहीं है हमारा सॉफ्टवेयर या फिर जावा के नए वर्जनस आ रहे हैं पाइथन के नए वर्जनस आ रहे हैं फाइव आ रहा है टू था तो 5G में चल रहा है तो 4G जी पर चलेगा कि नहीं चलेगा 3G जी पर चलेगा कि नहीं चलेगा इस्पीड इस स्लो हो जाएगी बट रन होना चाहिए राइट एंड चेंजिंग द सिस्टम ज रिस्पॉन्स टू चेंजिंग द कस्टमर नीड्स जो हमारा सिस्टम है जो डेवलपमेंट प्रोसीजर है जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो रिस्पोंड करना चाहिए चेंज को अडॉप्ट करने में जो कस्टमर की को अकॉर्डिंगली राइट दीज आर द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज द वे टू विच द प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर राइट डेवलप सॉफ्टवेयर राइट And what is the difficult to improve software process? Not enough time and lack of knowledge. Most important. आज भी हमारी आई टी इंडस्ट्री इन बातों को फेस कर रही है नॉट इनफ टाइम मतलब एक टाइम ड्यूरेशन में फिक्स टाइम में प्रोजेक्ट को डिलीवर करना, करना होता है रिलीज करना होता है डेवलप करके उसमें सारे रिक्वायरमेंट गैदर भी करना है फिजिबिलिटी स्टडी भी चेक करना है डिज़ाइन भी करना है कोडिंग भी करना है टेस्टिंग भी करना है देन डिलीवर करना है और क्वालिटी भी प्रॉपर इम्प्रूव होनी चाहिए लो क्वालिटी अडोप्टेबल नहीं है एक्सेप्टेबल नहीं है एंड लैक ऑफ नॉलेज मतलब आज भी मैक्सिमम इंजीनियर सॉफ्टवेयर के इंजीनियर डेवलप हो रहे हैं बट उनको टेक्निकल नॉलेज या प्रोग्रामिंग नॉलेज या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं है मतलब मार्केट से वो मैच नहीं कर रहे हैं जो आइडेंटिटी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उनसे मैच नहीं हो रही है जॉब तो बहुत सारी हैं बट वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है जो एटी इंडस्ट्री को चाहिए तो लैक ऑफ नॉलेज आज भी है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस आती है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको दैट इज अ रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस राइट इस ग्राफ से देखते हैं रॉन्ग मोटिवेशंस कई बार जो मिथ्स हैं प्रीवियस सेक्शन जो मैंने मिथ्स आपको डिस्कस करा था कुछ ऐसे डिफरेंट मोटिवेशन हैं जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्लो हो जाता है या क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं हो पाता है टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाती या ओवर बजट हो जाता है राइट इन कमिटमेंट मतलब हमने जब जो बिजनेस डेवलपर थे जो मार्केटिंग पर्सन है जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ले आते हैं एट इंडस्ट्री में मार्केट से जिसे हम बिजनेस एनलिस्ट बोलते हैं या फिर वो बीटेक एमबीए होते हैं मे बी बीटेक भी होते हैं सारे राइट right? बट वो जब क्लाइंट से ओवर कमिट कर लेते हैं लेकिन एक्चुअल में जब डेवलपमेंट पे आते हैं तो वो डेवलप हो ही नहीं पाता क्योंकि वो टेक्निकल नॉलेज और मार्केटिंग से जो मार्केटिंग स्टडी चली दोनों में मैच अप नहीं हो पाता इस वजह से ओवरकमिट हो जाता है और जब डेवलपमेंट डेवलपर के पास आता है डेवलपमेंट टीम के पास आता है तो वो जो हमने कमिट कर दिया वो डेवलप नहीं हो पाता एज इट इज़ तो उसमें क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमें इस गैप को को रिमूव करना है जो हमने कमिट किया है जिस टाइम पे कमिट किया है जो क्वालिटी कमिट की वही डिलीवर करें जो हम कर पाएँ वही कमिट करें इससे ये चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी इसमें हमारी हेल्प करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैथलॉजीज जो हम आगे पढ़ते रहेंगे अभी इस सब्जेक्ट में तो प्रोडक्टिविटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ बना हुआ है हमने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करा इनिशियल स्टेट है दैट इज एनिशियल स्टेट आफ्टर दैट प्रोसेस इंप्रूविंग बिगन जब प्रोसेस थोड़ा दिन में प्रोसेस इंप्रूविंग बिगन हो जाता है फिर यहाँ पे लर्निंग हमें सीखने की ज़रूरत है हमारी टीम को भी पूरे टीम को कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कोड में डिज़ाइनिंग में क्या चीज़ हम डेवलप कर पा रहे हैं इसलिए और क्या चीज़ें डेवलप करने में भी हमें और टाइम इनोवेशन थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लगानी है ये सारा ये वही एरिया है राइट right? ये ग्राफ शो कर रहा है एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स एंड इम्प्रूवड फ्यूचर स्टेट्स जो हम फ्यूचर में अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं तो जब से आप यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल वर्जनस आ चुके हैं सब में डे बाई डे अपडेशन इवन आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप में टाइम टू टाइम अपडेशन आता रहा है पहले स्टेटस नहीं था फिर स्टेटस अपडेट हुआ फिर उसके मल्टीपल वेज़ अपडेट हुए सिक्योरिटी अपडेट हुई हैं तो जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं रन टाइम पे एंड यूजर्स पे उसको हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर अपडेशन के थ्रू राइट तो हम हाँ जैसे मान लो कोई चैलेंज आ गया या कोई प्रॉब्लम उसे क्विट नहीं करते हैं हम उसे प्रॉब्लम को फेस करते हैं उसका सोल्यूशन निकालते हैं अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके अगेन इंप्रूव करके लॉन्च कर देते हैं या डिप्लॉय कर देते हैं मार्केट में राइट right? अब देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्ड अप्रोच है कुछ लेयर वाइज आपको कुछ बताते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर प्रोसेस डेवलप हो रहा है कैसे कैसे क्या क्या, क्या चीजें यूज हो रही हैं तो फर्स्ट लेयर क्या है हमारी क्वालिटी फोकस राइट क्वालिटी फोकस राइट अगेन क्या है नेक्स्ट लेयर क्या है अगर हम पहले क्वालिटी फोकस करेंगे एफिशिएंट होना चाहिए रिलायबल होना चाहिए टेस्टेबल होना चाहिए मेंटेनेबल होना चाहिए रिस्पॉन्सिव होना चाहिए स्केलेबल होना चाहिए आगे बताऊंगा क्या है चीजें यह मतलब जैसे आपने कई सारी वेबसाइट्स सॉफ्टवेयर खोलते हैं, हैंग हो जाता है चाहे वो सॉफ्टवेयर हमारा स्लो है चाहे वो चाहे हमारा कंप्यूटर स्लो है मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप या फिर वो सॉफ्टवेयर हैवी है दोनों ही इशू में दोनों ही इश्यूज़ हैं मतलब हमने जो सॉफ्टवेयर लॉन्च करा है वो जिस में जिस रनिंग जिस करंट सिनेरियो में जो भी हमारे मार्केट में कम्प्यूटर्स अवेलेबल हैं कन्फ्रिगेशन के सब में चलना चाहिए अगर हमने टेस्टेबिलिटी नहीं करी तो कंपेटेबिलिटी इशू आ रहा है या स्लो डाउन हो रहा है दैट इज़ द इशू क्वालिटी का इशू है उसमें अगेन प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया हमने राइट right. हमने प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया आफ्टर दैट मेथड्स जब प्रोसेस हमने अप्लाई कर लिया तो किस मेथड के थ्रू हमने प्रोग्राम को डेवलप किया सॉरी प्रोजेक्ट को डेवलप किया कोई वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर रहा है कोई स्पायरल यूज़ कर रहा है कोई एजाइल यूज़ कर रहा है कोई प्रोटोटाइप यूज़ कर रहा है कोई रोपेट रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहा है कोई वी प्रोसेस कर रहा है कोई डिऑप्स कर रहा है तो डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा कि, कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा मॉडल अडॉप्ट करना है हमें विच वन इज़ बेटर एंड वाई आएंगे फ्यूचर में बताएंगे इसको बट हम मैथड पहले हम क्वालिटी पर फोकस करेंगे आफ्टर दैट बेस्ट प्रोसेस अप्लाई करेंगे अपनाएंगे कौन से प्रोसेस डेवलप करना है फिर मैथड कौन सा अप्लाई करना है आफ्टर दैट टूल्स कौन सा टूल यूज़ करें हम राइट right. इसको हम क्या बोलते हैं लेयर्ड अप्रोच फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस राइट टूल्स कई सारे टूल्स हैं केस टूल्स है डेवलप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के लिए है ना मल्टीपल टूल्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आप भी यूज़ करते हैं बहुत सारे आईडीज़ हैं डिप्लॉयमेंट के लिए टेस्ट केस के लिए ऑटोमेशन के लिए टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आप रन कराते हैं राइट right. कि ऑल आर द टूल्स जो हेल्पिंग टू हेल्पिंग द डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर राइट कुछ प्रोसेस फ्रेमवर्क हैं अभी तक आपने क्या पढ़ा कि प्रोसेसेस क्या क्या थे फिर लेयर्ड अप्रोच क्या है प्रोसेस की नेक्स्ट है प्रोसेस फ्रेमवर्क कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या है बेसिकली प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्ट्री जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ एम्ब्रेला में क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं प्रोसेस फ्रेमवर्क के राइट टास्क सेट्स क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं क्या क्या कंप्लीट हो चुके हैं क्या क्या करने बाकी हैं अभी सेट ऑफ टास्क डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ टास्क हो सकते हैं टेस्टिंग टीम अलग होगी राइट डेवलपमेंट टीम अलग होगी है ना रिक्वायरमेंट टीम अलग होगी रिक्वायरमेंट गैदर करने वाली में भी एंड डिप्लॉयमेंट टीम अलग होती है रिलीजिंग टीम अलग होती है सबका डिफरेंट डिफरेंट टास्क अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट होती है इंडस्ट्री में आई कंपनी में उससे क्या होता है कि हर बंदे को अपना काम टाइमली फिनिश करना होता है जिससे कि पूरा प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हो पाए राइट माइल स्टोन्स एंड डिलेवल्स जो भी हमारे क्रिटिकल मॉड्यूल्स हैं जो हमारे माइल हैं कि इस वीक में इस मंथ में इस ईयर में ये डिलीवरी जानी है मॉड्यूल्स की वो उसी टाइम पे जानी चाहिए जो डिलीवरेबल्स हैं वो टाइम पर डिलीवर होने चाहिए राइट right? अगर हमने मान लो मॉड्यूलर अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं हम किसी को प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए फेसबुक की ही हम बात करें तो लॉग इन पेज बनाया डिलीवर किया तो हम पहले से बताएंगे टाइम लाइन डेडलाइन फिक्स होगी उसी टाइम पर डिलीवरी जानी चाहिए फ़ोटो मॉडल कब जाएगा चैट मॉडल कब जाएगा ये हम स्टार्टिंग में ही बता देंगे क्लाइंट को कि इस टाइम पे ये डिलीवरी होगी उस टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रही मतलब हमारा प्रोजेक्ट डिले चल रहा है तो जो माइल हमने सेट करें वो माइल हैं जैसे आप यहाँ से किसी आप किसी एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस मान लीजिए आपको लखनऊ से डेली ट्रेवल करना है लखनऊ से डेली तो आप अगर एक्सप्रेस से आ रहे हैं तो आपके माइल सेट है ना आप यहाँ पहुँच गए मतलब इतना आपने टाइमली अगर आप पहुँच गए तो मतलब आप टाइम पे डेली पहुँच जाएंगे सेम चीज़ सॉफ्टवेयर प्रोसेस में भी डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स अगर आपका टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं मतलब टाइम पर डिलीवरी हो जाएगी टाइम पर प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा एस पॉइंट्स सॉफ्टवेयर एस का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस मतलब सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी का एश्योरेंस दे रहे हैं क्लाइंट को हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग मैथलॉजी के थ्रू मल्टीपल टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करके हम अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं दो प्रोफाइल हाइट इंडस्ट्री में क्यूए एंड क्यू क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल तो क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर राइट मल्टीपल टाइप ऑफ टेस्ट केसेस पे मल्टीपल टाइम टाइम पे हम टेस्टिंग परफॉर्म करके क्वालिटी को एश्योर करते हैं जो भी बग्स आती हैं उसको हम फिक्स कराते हैं विद इन द डेवलपमेंट टाइम

तो ऑब्वियसली तो जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन uh, है वो इंक्लूड क्या करेंगे आउटकम होगा हमारा क्या होगा हमेशा प्रोडक्ट होगा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रोल विच रिफ्लेक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस पूरे प्रोसेस में जितने भी रिसोर्सेज मैं पीपल्स को रिसोर्स बोल रहा हूँ हालांकि जो हार्डवेयर सिस्टम्स मान लो कभी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर तो उसमें एम्बेडेड के सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर भी लगेंगे कोई सॉफ्टवेयर में जो लैपटॉप सिटिंग पोजिशन जिन जहाँ पे भी वो लोग बैठे हुए हैं सिटिंग लोकेशन सॉरी एस सी जेड वगैरह जहाँ भी बैठते हैं वो सब ऑल आर द रिसोर्सेज सर्वर है ना बट ह्यूमन रिसोर्स जितने हैं ऑल आर द रिसोर्सेज और उन हर रिसोर्स की अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिली डिसाइड होती है कोई डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाएगा तो कोई टेस्टिंग करेगा तो कोई रिक्वायरमेंट गैदर करेगा कोई सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पूरा प्लान करेगा बनाएगा कोई मैनेज कर रहा होगा पूरे प्रोजेक्ट को कोई छोटी छोटी टीम को टीम लीड कर रहे होंगे टीम टेक लीड टीम लीड बोलते हैं उन्हें all the roles which is reflected the responsibility of the people involved in the process process us process mein jo log be involved hai sabki role and responsibility accountability decided hogi pre decided hogi ki kisko kya karna hai right और उस वाली responsibility के लिए वो accountable होगा उससे ही पूछा जाएगा, right pre and post conditions which are statement that are not true before and after the process activity has been एनएक्टेड ऑन द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड मैंने कहने का मतलब प्री मतलब प्रोडक्ट ब्रांड से पहले और बाद में प्री एंड पोस्ट कंडीशंस स्टेटमेंट्स ऑलवेज ट्रू होनी चाहिए जो हमने रिक्वायरमेंट के टाइम पे ली थी वही एंड टाइम पे भी वही होनी चेंज नहीं होनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग क्योंकि हमारी सारी टेस्टिंग सारे डेवलपमेंट सारे डिजाइन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही डेवलप हो रहे होंगे तो ऑल द एक्टिविटी डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एंड डिलीवरी रिलीजिंग

हमारी लिस्ट में भी है तो प्लान ड्रिवेन प्रोसेस और प्रोसेस वेयर ऑल ऑफ द प्रोसेस एक्टिविटीज आर प्लान्ड सारी एक्टिविटीज प्लान होंगी एंड एडवांस पहले से ही प्लान कर, करके रखेंगे ऐसा नहीं कि डेवलप करने लगे तब प्लान करेंगे बिफोर डेवलपमिंग स्टार्टिंग डेवलपमेंट बिफोर वी आर प्लानिंग फॉर ईच ईच एंड एवरीथिंग वी आर प्लान इच एंड एवरीथिंग प्रोसेस इन द मेजर्ड अगेंस्ट दिस प्लान जो भी हमारा प्रोग्रेस uh, है उसको हम टाइम टू टाइम पे मेज़र करते रहेंगे राइट right? और अकॉर्डिंग टू द मेज़रमेंट जो भी क्वालिटी अगर हमारी लैक कर रही है तो इंप्रूवमेंट करने के जो प्रोसीजर होंगे उसको अप्लाई करेंगे अदरवाइज़ हम टाइम टाइम पे जो भी हमारे रिसोर्सेज की अगर हमें कोई कमी आ रही है या फिर हमें कोई ट्रेनिंग दिलवानी है अपने रिसोर्सेज को या फिर आ, हमें लग रहा है कि टाइम पर डिलीवरी नहीं हो पाएगी फास्ट कैसे करना और है और रिसोर्स हायर करने हैं ओवर बजट नहीं जाना चाहिए ये सारी चीज़ें हम टाइम टाइम पर मेजर करते रहेंगे राइट right? बट इनके साथ एजाइल प्रोसेस इंक्रीमेंटल प्रोसेस है ये राइट कि इंक्रीमेंटल प्रोसेस क्या होता है एजाइल प्रोसेस प्लानिंग फॉर द इंक्रीमेंटल एंड इजियर टू चेंज द प्रोसेस एंड टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स मतलब ये इंक्रीमेंटल प्रोसेस है कि जो कस्टमर के चेंजेस आए उसको हम टाइम टू टाइम पे उसको इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं इन्वॉल्व करते जा रहे हैं अपने डेवलपमेंट में मतलब क्या है कि मल्टीपल मॉड्यूल्स में हमने ब्रेक कर लिया अपने प्रोजेक्ट को राइट right? और मॉड्यूल्स जो भी हम डेवलप करते, करते जा रहे हैं क्लाइंट को रिलीज़ करते जा रहे हैं ठीक है आफ्टर दैट क्लाइंट जो फीडबैक आ रहे हैं या क्लाइंट को चेंज करने को अपना दे रहा है रिस्पॉन्स तो उसे हम नेक्स्ट वाले मॉड्यूल्स में क्यों क्योंकि हमने मान लो टोटल प्रोजेक्ट जो है वन ईयर में डिलीवर करना था और वन मंथ में हम एक डिलीवरी दे रहे हैं फिर सेकेंड मंथ में से थर्ड मंथ में तो एवरी मंथ हमें कस्टमर के फीडबैक मिलते जा रहे हैं चेंजेस बता रहा है तो हम उसे कर सकते हैं टाइम है हमारे पास लेकिन हम हम वन ईयर के बाद ही प्रोजेक्ट डिलीवर करें फिर फिर हमारा बजट ओवर चला जाएगा क्योंकि हमारे टी, पूरी टीम को आफ्टर वन ईयर भी काम करना पड़ेगा लेकिन अगर हम मॉड्यूल वाइज डिलीवरी करने लगे एजाइल के प्रोसेस के थ्रू इंक्रीमेंटल अप्रोच को तो बिटवीन द डेवलपमेंट टाइम हमारे कस्टमर का फीडबैक आ जाएगा उसमें हम इंप्रूव करके क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो मीट होगी इन प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल प्रोसेसिस इंक्लूड द एलिमेंट्स ऑफ बोथ प्लान ड्रिवेंट एंड एजाइल प्रोसेस तो करंट सिनारियों में मैक्सिमम कंपनीज प्लान ड्रिवेंट भी है एजाइल अप्रोच दोनों को मिक्स करके डेवलप करती हैं सॉफ्टवेयर कुछ अम्ब्रेला अम्ब्रेला एक्टिविटी मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज जो इसी के अंदर आती हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर फॉर्मली अम्ब्रेला ओवरली द प्रोसेस मॉडल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फ्रेमवर्क इस सब में अडॉप्ट हो सकता है ये नॉर्मल प्रोसेस एक्टिविटी एंड अकर्ड थ्रू आउट द प्रोसेस फर्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसको हम शॉर्ट में एस बोलते हैं पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करना इसको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है एक कंप्लीट सब्जेक्ट भी है ये पूरा ये राइट फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज हम जितने भी हमारे कोड हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं कोड है, है, है सबको हम टेक्निकली फॉर्मल रिव्यू करते हैं टेस्टिंग पार्ट ऑफ़ टेस्टिंग ऑल्सो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एसोरेंट इस ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मल्टीपल वेज से टेस्टिंग करके यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग बताएंगे आपको फ्यूचर में अभी आपके सिलेबस में है राइट right? तो मल्टीपल टेस्ट कर सॉफ्टवेयर को मल्टीपल वेज से टेस्ट करके परफॉर्मेंस टेस्टिंग है ना हम क्वालिटी को एश्योर करते हैं जो बक्स आती रहती हैं डेवलपर उसे फ़िक्स करता रहता है टेस्टर टीम बग्स निकालती है और डेवलपर फिक्स करते रहते हैं और मल्टीपल टाइम ऐसा होता रहता है उससे क्या होता है कि जितनी बार भी बग्स फिक्स करेंगे क्वालिटी ऑलवेज इंप्रूव होती रहेगी राइट right? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा नॉन फंक्शनल हो गया सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना जैसे फॉर एग्जांपल आपको वी इंस्टॉल करना है तो वी के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है तो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड क्या है मॉड्यूल सॉरी सिस्टम की लैपटॉप की डेस्कटॉप की मोबाइल की या फिर आप मैंने मल्टीपल टाइम बताया कि गेम कोई हैवी सॉफ्टवेयर है उसके लिए एट जी रैम चाहिए तो एट जी पे ही चलेगा मैट लैब पर अगर आप डी पे काम कर रहे हो तो मैट लैब इंस्टॉल करेंगे तो वन जी पे आज की अपडेटेड वर्जन नहीं चलेगा दिक्कत आएगी वन जी रैम पे राइट right? स्लो चलेगा तो अगेन कन्फ्रिगेन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है मैंने बोला कुछ सॉफ्टवेयर जो है पर्टिकुलर ब्राउजर पर ही चलते हैं या सारे सॉफ्टवेयर को रन किया गया हो टेस्ट किया गया हो कम्पेटिबिलिटी इशू चेक किए गए हो दैट इज़ ए पार्ट ऑफ टेस्टिंग ऑल्सो कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग राइट तो देन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि सारे स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स मीन्स बात जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं जैसे अगर कॉलेज की वेबसाइट का एग्जाम्पल लिया जाए तो आपके पेरेंट्स इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं बट आप फैकल्टी टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ जो कॉलेज कैंपस में हैं जिसको सैलरी मिल रही है या फिर वो फीस पे कर रहे हैं ऑल आर डायरेक्टली कनेक्टेड राइट तो ऑल आर द स्टेक होल्डर्स बट सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है आपको कॉलेज की वेबसाइट बनानी है सबकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए राइट right? लेकिन उस सॉफ्टवेयर की वेबसाइट को चलने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर पे ओपेरा पे मोजिला पे क्रोम पे एक्सप्लोरर पे माइक्रोसॉफ्ट एज पे सब पे चलना चाहिए अगर आपने टेस्ट नहीं किया तो मे बी किसी पे वो कम्पेटिबिलिटी इशू आ जाए तो सेट ऑफ यूजर जो आपकी वेबसाइट ओपन ही ना कर पाएँ इसलिए कंपेटिबिलिटी टेस्ट करना बहुत जरूरी है राइट तो कन्फिगेशन मैनेजमेंट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कन्फिगेशन मैनेजमेंट ऑल्सो कि जो आप जिस सिस्टम पे सॉफ़्टवेयर रन करेगा वो सिस्टम की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए अदरवाइज़ आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलप आपने किया है वो रनि नहीं करेगा वो कब करना पड़ेगा जब आप डेवलप करने के बाद बिफोर रिलीजिंग आप उसे टेस्ट कर लें जो अगर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है कस्टमर प्रोडक्ट है कोई जेनरिक नहीं है जेनरिक है तो आपको सब पर टेस्ट करना पड़ेगा जहाँ जहाँ आप जिस आप जिसके लिए लॉन्च कर रहे हैं अगर कस्टमाइज प्रोडक्ट जो सॉफ्टवेयर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसका जो भी एक्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक्जिस्टिंग हार्डवेयर है उस पर रन करना चाहिए आपको टेस्ट करके ही डिलीवर करना पड़ेगा राइट right? एंड डॉक्यूमेंट प्रोपरेशन एंड प्रोडक्शन दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि टाइम टू टाइम मैंने आपको बताया जब आप फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं जैसे अभी कुछ गेम्स आए थे जिसपे बैन लगा दिया गया उस पर लोग सुसाइड कर रहे थे ब्लू वेल गेम आया था एक कोई तो किसी कंट्री में डेवलप हुआ था तो वो जिसने डेवलप किया था उसको भी जेल में डाल दिया गया और ऐसे जो कि पूरे सोसाइटी के लिए हार्मुल हैं उसमें कुछ स्टेजेस थी जो लोग सुसाइड कर रहे थे ब्रूवेल गेम का नाम था तो उसे बैन कर दिया गया क्यों बैन किया गया बिकॉज ऑफ कि उसकी फिजिबिलिटी स्टडी और प्रॉपर रिक्वायरमेंट चेक नहीं की गई थी और किसी ने बना के उसको लॉन्च कर दिया कई जाने चली गई उससे राइट right. तो डिपेंड करता है कि हर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत स्पेसिफिक होती है तो फिजिबिलिटी स्टडी करके फिर डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एस आर एस बी आर एस है ना फिर एफ फिर उसके अंदर यू डायग्राम्स बनेंगे सारे क्लास ऑब्जेक्ट डायग्राम सिक्वेंस डायग्राम मल्टी आपको बताया जाएगा आगे फ्यूचर में आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर्स में सॉरी आगे लेक्चर में बट डॉक्यूमेंट प्रोपरेशन एंड प्रोडक्शन दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस रीयूजबिलिटी मैनेजमेंट इससे होता क्या है अगर हम ऐसा कोई हमारा जो मॉडुलर अप्रोच है जब से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई है हमने मॉडलर अप्रोच अप्लाई करना शुरू कर दिया है और उससे होता क्या है डिजाइन डिजाइनिंग में पढ़ाऊंगा मैं आपको उसमें होगा क्या कि जो हमारे प्रोजेक्ट के डैक रूल पे डिवाइड एंड कंकर अप्रोच पे अप्लाई करते हैं आपने मर्ज मर्द शॉर्ट और क्विक शॉर्ट में पढ़ा होगा तो डैक रूल जब अप्लाई करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम ब्रेक करते हैं दस कॉल मॉड्यूल्स और वो मॉड्यूल किसी और जगह यूज़ होगा तो माइनर चेंजेस करके हम उसे वहाँ भी डिप्लॉय कर सकते हैं दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट तो इससे क्या होगा टाइम और कॉस्ट बच जाएगी उस वाले जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में रीजल रीजल कंपनियों हम यूज कर रहे हैं उससे हमारा प्रॉफिट जनरेशन शुरू हो जाएगा राइट मेजरमेंट मल्टीपल वेज हैं मेजर करने के क्वालिटी को डेवलपमेंट के राइट एंड रिस्क मैनेजमेंट जितने भी रिस्क इन्वॉल्व हैं किसी प्रोजेक्ट में जैसे मैंने अभी आपको पताब्ल्यूवेयर का एग्जाम्पल दिया मेट्रो का सॉफ्टवेयर है ऑटो ड्राइवरलेस कार हैं उस पर आज भी टेस्टिंग चल रही फोर एंड फाइव ईयर्स टेस्टिंग चल रही है गूगल की अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि रोड पर चलेगी किसी की जान का नुकसान हो गया तो टक्कर लग गई तो एक्सीडेंट हो गया तो तो मल्टीपल टेस्टिंग इन्वॉल्व है भले कितने ईयर लग जाए कितना पैसा लग जाए डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कितना रिस्क इन्वॉल्व है कब तक एनालाइज करना है कब तक मैनेज करना है राइट एंड द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द कन्वेंशनल एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस तो कंस्ट्रक्शन ब्रिज कर रहे हैं और राइटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं दोनों डिफरेंस क्या है जब ब्रिज कोई बनाएंगे तो प्रॉब्लम वेल अंडरस्टूड होगी बिल्ड ब्रिज कितना लंबा बनाना है स्टार्टिंग एंड पॉइंट मटेरियल इंजीनियर सारे स्ट्रक्चर बना कर रखेंगे सिविल इंजीनियर्स बट प्रोग्राम के केस में है सम पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम आर अंडरस्टूड एंड कुछ पार्ट हमें समझ नहीं जब प्रोग्राम भी दिया जाता है कई बार लॉजिक आप नया बनाते हैं या उसका अगला बंदा उससे भी रिड्यूस कॉम्ब्रेसिटी का प्रोग्राम बना दे फेवनोख्यू की मल्टीपल वेज हैं रिकरेंस से बनाएंगे आप रिकरेंस का यूज करेंगे है ना या नॉर्मल लूपिंग लगा के करेंगे डिपेंड अप टू यू लॉजिक डिफरेंट होगा तो कॉम्पलिसिटी स्पेस टाइम कम्पस्टी वेरी करेगी है ना बट यहाँ पे पहले आप डिसाइड करके सारी चीज़ें बना सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में या ब्रिज बना रहे हैं आप तो दे आर मेनी एग्जिस्टिंग ब्रिज बहुत सारे ब्रिज हैं एग्जाम्पल के लिए बस सॉफ्टवेयर के में मे भी आप नया सॉफ्टवेयर बना रहे हो जरूरी नहीं कस्टमर किसी कॉपी कर रहा हो अपना सॉफ्टवेयर अपने अकॉर्डिंग बनवा बनवाओ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो एवरी प्रोग्राम इज डिफरेंट एंड डिजाइन स्पेशली अपलिकेशन एंड द रिक्वायड फॉर द ब्रिज टिपिकली और नो चेंजेज मच ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन चेंज जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया तो बहुत सारे चेंजेस नहीं कर सकते आप बट सॉफ्टवेयर के केस में टिपिकली चेंज ड्यूरिंग द फेजेस डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन टाइम में आप चेंज करा सकते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ तो आप डिजाइनिंग में चेंज करा सकते हैं रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं उसके पहले है ना स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिजेस कैन बी कैलकुलेटेड विद द रीजनेबल प्रिसन आप ब्रिज की क्वालिटी डिपेंड ऑन जो भी आयरन लग रहा है उसमें सीमेंट जो भी लग रहे हैं चीज़ें उससे आप मेजर कर सकते हैं निकाला जा सकता है बट नॉट पॉसिबल इन कैलकुलेटिंग द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम विथ एक्जिस्टिंग मैथड कोई ऐसा मैथड नहीं जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम ये बता सकें कितनी नेरर्स आने वाली हैं कितनी बक्स आने वाली हैं फ्यूचर में कोई नहीं बता सकता ये तो हमें टेस्ट करके ही पता लगेगा राइट right? पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं बट वो भी श्योर नहीं है वेन द ब्रिज इज कोलेप्स देयर इज अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट जब कोई ब्रिज कोलेप्स कर जाए तो उस डिटेल रिपोर्ट क्यों गिरा क्या रीजन थे क्वालिटी क्या थी बट यहाँ पे

जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक ब्रिज चले बट डेवलपर्स हैव बिन राइटिंग ए प्रोग्राम फॉर फिफ्टी ईयर्स ऑल्सो उनको पता है कि कुछ, कुछ दिनों बाद ये सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो जाएगा कुछ ड्यूरेशन के लिए फिफ्टी ईयर्स के लिए फोर्टीन ईयर्स के लिए ट्वेंटी फ्वेंटी फाइव ईयर्स के लिए बनाते हैं उनको पता है कि सॉफ्टवेयर आउटडेट नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी सॉफ्टवेयर आउटडेट होगा हमें फिर से अपडेट करना पड़ेगा इसे या चेंजेस करने पड़ेंगे लेकिन ब्रिज में ऐसा नहीं है बहुत सारे पुराने ब्रिज आज भी चल रहे हैं राइट right? मटेरियल्स इसमें वुड स्टोन आयरन स्टील एंड टेक्निक्स मेकिंग जॉइंट्स वुड्स मल्टीपल मटेरियल्स यूज़ होते हैं राइट बस सॉफ्टवेयर केस में ओनली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कि रैपिडली चेंज हो रहे हैं हार्डवेयर बहुत जल्दी मॉडिफाई हो रहा है आपको पता है पहले आप हार्ड डिस्क यूज़ करते थे एच डी पहले आपने पेन पहले आप क्या करते थे सी पहले आपने जो वीडियो कैसेट देखते थे उसके बाद फिर मैग्नेटेप आ गया सी आ गई कॉम्पैक्ट डिस्क आ गया पेन ड्राइव आ गई अब हार्ड डिस्क जो आ रही है वन टी तक की आने लगी टू टी तक की आप स्टोर कर रहे हो टेरा बाइट्स तक जा रहे हैं आपके तो ये क्या हो रहा है हार्डवेयर में रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं अब पहले एस था अभी एस आ गया एस डी हार्ड डिस्क आ गई तो हमारा हार्डवेयर मार्केट भी हार्डवेयर प्रोडक्शन बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है सेम स्पीड से सॉफ्टवेयर भी ग्रो कर रहा है राइट right? तो ये डिफरेंसेस थे किसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में और कन्वेंशनल इंजीनियरिंग में तो हमने आज क्या अभी आज इस लेक्चर में क्या देखा what are the software processes and what are differences between conventional engineering and software engineering we will meet in last lecture thank you